यार साफ सफाई यानी कि क्लीनिंग और हाइजीन तो सभी को पसंद होती है और मैं जानता हूँ ब्रो आप भी हर दिन साफ रहने की कोशिश करते हो, मगर इसी बीच आप हर रोज पांच ऐसी गलतियां करते हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गाइस नंबर एक पर आता है क्लीन ईयर्स विद कॉटन स्वैब्स। आप लोग भी अपने ईयर्स को हर समय जब भी क्लीन करते हो कॉटन स्वैब से ही क्लीन करते होगे, मगर ब्रो ये तरीका पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर्स की रिसर्च का मानना है कि ये कॉटन स्वैब्स आपके ईयर्स की वैक्स को और भी अंदर तक धकेल देती है जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही हर रोज यूज करने से ये कॉटन स्वैब्स आपके ईयर ड्रम को यानी कि कान के पर्दे को डैमेज भी कर सकते हैं। यार कानों की सफाई के लिए ना आपको इस तरीके को छोड़कर एक दूसरे तरीके का यूज करना चाहिए। साइंटिस्ट का मानना है कि ऑलिव ऑयल को कानों की सफाई के लिए यूज करना चाहिए और इसकी 3 बूंदें ही अगर आप कान में डालोगे तो कान बहुत ही ज्यादा क्लीन और सॉफ्ट फील होगा। यार नंबर 2 पर आता है कॉटन पिलो। अब कुछ लोग यार कहेंगे कि पिलो का इसमें भाई क्या काम है, पिलो से तो किसी भी तरह की सफाई भी नहीं होती और ना ही ये किसी और हाइजीन के काम आता है। तो यार मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप कॉटन पिलो लेकर स्लीप करते हैं तो इस पिलो के चलते आपकी स्किन काफी ज्यादा डैमेज होती है। कॉटन पिलो के चलते ही आपका फेस काफी ज्यादा ड्राई रहता है। गाइस आप सब कॉटन पिलो को छोड़कर सिल्क पिलो पर स्लीप कीजिए जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिल्क पिलो पर स्लीप करने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्रेश और आपके हेयर भी बहुत ही ज्यादा फ्रेश रहते हैं। यार नंबर 3 पर आता है नॉट वॉशिंग योर हैंड आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम। अब यार ये बात ना आप सभी को बड़ी ही अजीब लगेगी और आप सब बोलोगे कि भाई ये बात तो तेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, मगर कई सालों की रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि रेस्ट रूम जाने के बाद सोप से अपने हाथों को धोना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस सोप पर पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया जमे होते हैं और इसीलिए आपको अपने हाथों को सोप से नहीं धोना चाहिए। और यार इसीलिए आपको अपने हाथों को हैंड वॉश से ही धोना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। गाइस नंबर 4 पर आता है नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश। यार हमारा टूथब्रश ना हर रोज बहुत सारे बैक्टीरिया से चिपकता है और इसीलिए ये हर दिन काफी ज्यादा गंदा भी होता है, मगर यार आप लोग तो समझते होगे कि ये पानी से हर दिन ही अच्छे से साफ हो जाता है, मगर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि आपको अपने ब्रश को हर 60 दिन के अंदर ही यानी कि 2 मंथ के अंदर चेंज जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रश ना चेंज करने की गलती आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है और इसी के चलते आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से आपको कैंसर भी हो सकता है। गाइस नंबर 5 पर आता है काउजिंग और स्नीजिंग। हमारी मेडिकल का मानना है कि जब भी आपको छींक आए या फिर खांसी आए तो आपको अपना मुंह अपने हाथ से ढकना चाहिए, मगर यार कई सर्वेस में पता चला है कि सिर्फ 21% लोग ही ऐसा करते हैं, जो बहुत ही यार खराब बात है। खांसी और छींकने के समय अपने हाथ को मुंह पर रखना एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि साइंस के तरीके से भी एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि इस तरीके से आपके मुंह से निकल रहे खतरनाक बैक्टीरिया लोगों में नहीं फैलते और दूसरों की हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो चलो यार गाइस यही थी आज की वीडियो और ये थी वो 5 गलतियां जो आप हर दिन करते हैं, तो आज से भाई इन गलतियों को ना रिपीट करना बंद कर दो तभी इस वीडियो का थोड़ा फायदा होगा। गाइस आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटी को भी जरूर दबा देना।